हाय फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड गाइस, गर्मियां आ गई हैं तो आई एम श्योर आप भी अपने लिए एक अच्छा सा एयर कूलर ढूंढ रहे होंगे। इसी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंडवेयर वेक्ट्रा 85 लीटर एयर कूलर का वीडियो रिव्यू। सो गाइस, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड एयर कूलर है, तो आई एम श्योर इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज भी होंगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसकी बिल्ड पे, परफॉर्मेंस पे, और आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो भी इस वीडियो से मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अगर हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी से, तो ये आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो ओके वन ऑफ द बेस्ट नहीं है बट ओके है। यहाँ पे आपको ब्लेड्स मिल जाते हैं, डायरेक्शन हवा को मूव करने के लिए बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्विंग स्पीड और कूल। बेसिकली कूल की जगह पंप लिख देते तो भी हमारा काम चल जाता, इजी हो जाता समझने के लिए। बिल्ड क्वालिटी में मैं आपको बताऊँ तो ये बस ओके है, इतनी बुरी क्वालिटी भी नहीं है, बट जिस प्राइस पे मिलता है उस पे जस्टिफाइड है इसका प्राइस। ये आप नीचे देख सकते हैं, इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर है और साथ ही आपको यहाँ पे टायर्स भी मिल जाते हैं। 5 टायर्स में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ये इसका साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वायरिंग की काफ़ी लोगों ने पूछी थी, तो वायरिंग मुझे लगता है इसकी सफिशियंट है जितनी होनी चाहिए थी। बात करें अगर हम लोग इसके टॉप की, तो यस, इसमें आपको आइस चैम्बर भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप आइस डाल सकते हैं। ये होल है ताकि आपका पानी नीचे चला जाए, और इसमें अलग से पाइप भी दे रखा है, वो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। बात करें अगर हम लोग इसके बैक साइड थी, तो मैंने इसका बैक पैनल खोल दिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल दिया, हनीकॉम स्ट्रक्चर है इस पे। और बैक साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलती है 4 ब्लेड्स प्लास्टिक की हैं यहाँ पे। ये फैन का मोटर है, और अगर पंप की हम लोग बात करें तो ये है इसका पंप। पंप थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से आपको पानी का लेवल इसमें हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 85 लीटर की इसकी कैपेसिटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आप अगर रात को चलाते तो सुबह तक आराम से आपको इसमें पानी मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये इसमें 2 पाइप्स हैं, एक जो आइस चैम्बर से आ रहा है यहाँ पे, और एक जो वाटर सर्कुलेशन के लिए हनीकॉम स्ट्रक्चर में जो पानी को ड्रॉप करता है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों हैं यहाँ पे। ये ऊपर की इसकी असेंबली है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको बॉटम से इसमें पानी निकालना है तो आप ये पॉइंट भी दे रखा है, इसको ओपन करेंगे तो बॉटम से यहाँ से पानी निकल जाएगा। अगर आपको पाइप से पानी डालना है इसमें तो ये इस पॉइंट से आप डाल सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं। और अगर ओवरफ्लो के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट दे रखा है, यहाँ से ओवरफ्लो होने पर पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है। ऑटो कट का फीचर इसमें फ़िलहाल नहीं दे रखा है। आई थिंक इस प्राइस पे इतना तो चलता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, बिल्ड क्वालिटी इसकी एवरेज है, वायरिंग की लेंथ मुझे ओके लगी है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 85 की वो ज़बरदस्त है, आराम से आप एक रात निकाल सकते हैं बिना पानी डाले, सुबह तक आराम से चैन की नींद पे सो सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये नॉइज़ कितनी करता है और कूलिंग कितनी करता है। तो नॉइज़ के लिए तो मैं आपको इसको शुरू करके दिखा दूंगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। एयर थ्रो इसका अच्छा है, वाकई ज़बरदस्त एयर थ्रो है। 450 से 500 स्क्वायर फीट का जो कमरा होता है उसको आराम से फिल कर देता है, ठंडा कर देता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चलाने से पहले इसको आप पंप को अगर ऑन कर देते हैं, इसका हनीकॉम स्ट्रक्चर अच्छे से भीग जाता है, उसके बाद तो ये बहुत ठंडी हवा देता है, आपके कमरे को आराम से ठंडा कर देता है। नॉइस लेवल यस, जितना हर कूलर में होता है उतना ही इसमें नॉइस लेवल रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये आवाज़ कम करता है, आवाज़ ज़बरदस्त करता है। अच्छी बात, ये प्लास्टिक का है तो वो लोहे वाले के कंपैरिजन में आवाज़ कम होती है। मैं वॉइस भी आपको इसकी सुना देता हूँ, आई एम श्योर इसको ऑन करने के बाद मेरी आवाज़ तो आपको माइक पे नहीं आने वाली है। तो ये फिलहाल ऑन हो गया है इसका थ्रो, और मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है, स्विंग बंद किया हुआ है, और स्विंग भी इसका अच्छा खासा है, हर कोने में डाल सकता है। अभी मुझे पता नहीं है आपको मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही है। सो गाइस, नॉइस एंड परफॉर्मेंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये आपको नियरली कार्ड का डिस्काउंट लगा के 7,000 के आसपास मिल जाता है। तो इस प्राइस में 85 लीटर्स के जो भी कूलर्स हैं, राइट, उसमें ये अच्छा है। बॉडी इसकी काफ़ी वाइड है, मैं 5'6" का हूँ तो ये उस हिसाब से देखिए मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी ऊँचा भी है, सफिशियंट भी है। टायर्स इसमें मिल जाते हैं तो इसको मूव करना इजी हो जाता है। 85 लीटर की कैपेसिटी जब डल जाती है ना, पानी डल जाता है तो काफ़ी भारी हो जाता है मूव करना,
टायर उसमें बहुत हेल्प करते हैं। टायर लग के नहीं आते इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो आपको खुद निकाल के लगाने होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात इसकी मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, 2 साल की इसकी मोटर पे आपको वारंटी मिलती है, 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट मोटर के लिए तो आप 2 साल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, राइट। इसकी कॉम्पिटिशन में अगर मैं देखूं तो फ्लिपकार्ट आता है, काफी टॉल है, कैपेसिटी नियरली सेम है और सेम प्राइस भी है, बट उसका मैंने काफी सारे इश्यूज देखे रिव्यूज में और मैंने उसको चूज नहीं किया। मैंने चूज किया है इसको एंड आई एम हैप्पी कि मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूं आप लोगों को। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं 7,000 के प्राइस में, आई विल से आंख बंद करके आप इसको ले सकते हैं। मोटर की वारंटी आपको सेटिस्फेक्शन दे देती है, परफॉर्मेंस अच्छी है, जैसे मैंने बताया 450 स्क्वायर फीट के कमरे को भी आराम से ठंडा कर सकता है। सो गाइस, आई थिंक मैंने अपना जो एक्सपीरियंस इसके साथ था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा ऑन टाइम। एंड अगर आप मेरी तरफ से पूछे तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं निश्चिंत होकर। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।